नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में, केदारनाथ मंदिर के खुलने और बंद होने की तिथि के बारे में। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तारीख और समय अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर निर्भर करता है और महाशिवरात्रि पर घोषित किया जाता है। केदारनाथ मंदिर के खुलने की तारीख पंचांग की गणना के बाद उगीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में पुजारियों द्वारा तय की जाती है। केदारनाथ के बंद होने की तिथि तय होती है, यानी दिवाली के दो दिन बाद, जब भाई दूज मनाया जाता है। केदारनाथ मंदिर को सुबह पूजा अर्चना के बाद सर्दियों के लिए बंद कर दिया जाता है। लंबे समय के इंतजार के बाद महाशिवरात्रि के दिन उगीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में तारीख घोषित की गई है, जिसके साक्षी हजारों की संख्या में लोग रहे। केदारनाथ के कपाट 10 मई दिन शुक्रवार को सुबह 7 बजे विधिवत खुलेंगे। उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर, इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह स्थान छोटा चार धाम में से एक है। केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई है, आओ जानते हैं इस संबंध में 10 रहस्यमयी जानकारी। रहस्य 1, शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य। पुराण कथा अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। रहस्य 2, पांडव कथा। कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिव जी ने भैंसे के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, लेकिन पूर्णतः समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था, उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया, उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशुपतिनाथ नेपाल में है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। रहस्य 3, केदारनाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्ण शिवलिंग बनता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहाँ के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने किया था। रहस्य 4, एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है। उन दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर, श्री कालाहस्ती मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, अरुणाचल मंदिर, तिलई नटराज मंदिर और रामेश्वरम आता है। यह शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रहस्य 5, 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा मंदिर। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेटों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देहत्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी 400 साल तक, एक छोटा हिमयुग आया था।
जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था, जिसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। रहस्य 6 माह तक नहीं बुझता है दीपक। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे रुखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी कि छोड़ कर गए थे। रहस्य 7, लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समुच्चय क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। रहस्य 8, तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल दो भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। रहस्य 9, कैसे बना होगा यह मंदिर अभी भी रहस्य। यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। रहस्य 10, निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियां का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी, इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी बहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।